संभल में हयातनगर थाने के सराय तरीन मोहल्ला भूड़ा के मरहूम नन्हे उफ सफदर की बेटी सबीना की शादी 4 साल पहले सराय तरीन के बारादरी मोहल्ले के इंतजार पुत्र शाकिर के साथ हुई थी, जिसे बेटी पैदा हुई तो शाकिर तभी से सबीना से नाराज चल रहा था और आए दिन तलाक देने की धमकी दे रहा था। 3 दिन पूर्व सबीना को गुस्से में 3 बार तलाक बोलकर सराय तरीन के मोहल्ला होज कटोरा से दूसरी लड़की से शादी करने की धमकी देने लगा, जिसकी सूचना सबीना को लगी तो सबीना पुलिस के पास पहुंची, तो पुलिस आनन फानन में शाकिर को थाने ले आई। थाने में ससुर इंतजोर सास व पति शाकिर के खिलाफ तहरीर दी और ससुर को थाने से भेज दिया गया। मुस्लिम रीति रिवाज से हुई शबीना की शादी। पीड़िता शबीना के पिता की मृत्यु हो चुकी है। भाइयों और मोहल्ले वालों ने 6 जून 2013 को अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। बेटी पैदा होने के बाद से तलाक की धमकी देने लगा। अब दहेज में कार की मांग कर रहा था और शादी दूसरी लड़की से करने की धमकी दे रहा था। सबीना ने पुलिस को तहरीर दी है और योगी और मोदी जी से इंसाफ की मांग की है। 3 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ, बेटी है मेरे पास, वो मुझको बेटी की वजह से रखना नहीं चाहता, तलाक देना चाहता, देने के नहीं कह रहा और दूसरी शादी करने को कह रहा, दूसरी शादी करूँगा। मुझे वहाँ पर बहुत परेशान करता था, दहेज के लिए बहुत परेशान करता था, बेटी के लिए कि बेटी क्यों ही। योगी जी से मोदी जी से न्याय।